उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे कि श्रमिक आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे। उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2022 के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित बनाया जाएगा। इसी के साथ यह योजना के माध्यम से श्रमिकों को होने वाली आर्थिक तंगी से भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2022 के लाभ, इसके क्या क्या लाभ है? पहला है, पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा श्रमिक के लिए संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा तथा उनकी आर्थिक सहायता भी की जाएगी। दूसरा है, उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2022 के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे। तीसरा है, श्रमिकों को होने वाली आर्थिक तंगी में भी इस योजना के माध्यम से मदद प्राप्त किया जाएगा। चौथा है, राज्य के सभी श्रमिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य के जितने भी श्रमिक हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पाँचवा है, ऑनलाइन आवेदन CSC केंद्र के माध्यम से किया जाएगा तथा ऑफलाइन आवेदन श्रम विभाग के माध्यम से किया जाएगा। श्रमिक पंजीकरण 2022 महत्वपूर्ण दस्तावेज। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, लेबर सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शुल्क रसीद और परिवार रजिस्टर की नकल। उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आप इसको कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो पहले सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी CSC केंद्र जाना होगा। सबसे पहले आपके घर के करीब जो भी सबसे नज़दीक CSC केंद्र है वहाँ जाना होगा। CSC केंद्र में जाकर आपको CSC संचालक से श्रमिक पंजीकरण करवाने के लिए कहना होगा। तो श्रमिक पंजीकरण करवाना है तो आपको CSC संचालक से मिलना होगा, संपर्क करना होगा। इसके पश्चात आपको संचालक को सभी संबंधित दस्तावेज देने होंगे। तो जो भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सारा दस्तावेज आपको संचालक को दे देना है। इसके पश्चात श्रमिक संचालक द्वारा आपके श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन किया जाएगा। उसके बाद आपका आवेदन का प्रक्रिया शुरू होगा। आवेदन पत्र में पंजीयन विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण आदि जैसे जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा। तो जो आप दस्तावेज दिए हैं, जो जो दस्तावेज फॉर्म में मांगा गया है उनको उसमें अटैच किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अब संचालक द्वारा रजिस्टर फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। तो आपका इस प्रकार से प्रोसेस पूरा हो जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण का।